हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं, औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो ऑप्शन ये दे रखा है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, सी में श्रम ब्यूरो और डी में राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली। तो इसका ऑप्शन सी, जो श्रम ब्यूरो है वो यह काम करता है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। कथन बी, दूसरा दे रखा है, राष्ट्रीय नगर कार्यालय संस्थान भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्ष निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समापन या समाधान करने के नव प्रवर्तन हल उपलब्ध कराता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इसका ऑप्शन सी, जो एक और दो है, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन या कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन एक दे रखा है, CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का एक प्रमुख स्रोत है। दूसरा कथन है, यह बद कोयला या लिंक नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर करता है। तीसरा है, यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। और चौथा है, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ता को कोयला वितरण करे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है एक दो और तीन, ऑप्शन बी केवल तीन और चार, ऑप्शन सी केवल एक और दो, और ऑप्शन डी एक दो और चार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक दो और तीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया? तो ऑप्शन ए दे रखा है, केंद्रीय जल बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय जल भूजल बोर्ड, ऑप्शन सी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण भी इसको बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है उसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति या यूनाइटेड नेशन कॉन्फेडरेशन कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर चुनना है। तो पहला कथन दे रखा है, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। दूसरा कथन है, पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। तीसरा कथन है, यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्यायों का आंकलन करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही बताना है? तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल तीन, ऑप्शन बी एक और तीन, ऑप्शन सी दो और तीन, और ऑप्शन डी है एक और दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल तीन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है या प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ऑप्शन बी दे रखा है, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। ऑप्शन सी, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा, और ऑप्शन डी है, इस जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोण या पोलर कोण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ऑप्शन बी में दे रखा है, यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्रों में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। ऑप्शन सी, यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। ऑप्शन डी दे रखा है, यह आर्कटिक
आर्कटिक काउंसिल के सदस्यों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में, और सही आंसर चुनना है तो पहला कथन दे रखा है, चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, या इसको स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोला जाता है। और ऑप्शन दूसरा दे रखा है, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक निकाय है। तीसरा है, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चौथा कथन है, यह इस बोर्ड में दुबई और मास्को में विदेशी कार्यालय है। उपर्युक्त तो कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए दे रखा है एक और तीन, ऑप्शन बी दो और चार, ऑप्शन सी तीन और चार, और ऑप्शन डी है एक और चार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक और चार इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही को चुनना है। तो पहला कथन दे रखा है, यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रक्षेपक स्थिति प्रदान कर सकती है। कथन दूसरा दे रखा है, अंतर सरकारी संगठन या अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। और जो तीसरा कथन दे रखा है, यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। तो इसके कथन दे रखा है, ए में केवल एक और दो, दूसरे में है केवल दो और तीन, सी में केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी में है एक दो और तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो तीनों के तीनों है वो सही है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? और इस साल भी ये काफ़ी चर्चा में रहा, तो इससे संभावना है कि इस साल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ये दे रखा है, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थिति की अनुकूली और पर्यावरणीय रूप से क्या है उपयुक्त है। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थिति की पर्यावरणीय लागतों को शामिल नहीं करना। ऑप्शन सी में है, आधारित संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना, और ऑप्शन डी है, किसी सरकारी परियोजना या कार्यक्रमों में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। तो अस्सी का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनियों के उत्पाद पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय रूप से क्या है अनुकूल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना।